हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के सेकेंड यूनिट को, जिसका नाम है वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। और बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमें जानना है इस यूनिट के अंदर प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये इंग्लिश लैंग्वेज को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कब कब हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं, सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को, किस तरीके से हम प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करते हैं। बेसिक से उसके डायग्राम है, उसके फ्लो चार्ट है, जिन फ्लो चार्ट का याद होना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप उन सारी चीजों को लिख लीजिएगा और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस ऐड होंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगे, तो आप उन चीजों को अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फॉर द फॉरेन लैंग्वेज इन इंग्लिश। क्लियर, कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वन मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड इज टू एनालाइज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ दोस पार्ट। यानी एक मेथड जो अंडरस्टैंड करने में मदद करता है मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स को, यानी आपको पता है कि एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और अलग अलग मीनिंग के लिए अलग अलग शब्द भी होते हैं, तो यही इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज होता है। एंड मेनी न्यू वर्ड्स आर फॉर्मड बाय एडिंग एन एफिक्स टू द बिगनिंग और एंड ऑफ अ लैटिन और अ ग्रीक रूट टू रूट वर्ड, एंड व्हेन एफिक्सेस आर एडेड टू द बिगनिंग ऑफ द रूट और रूट वर्ड दे आर कॉल्ड प्रीफिक्स। यानी जब एफिक्स आपका किसी भी मतलब कोई भी वर्ड है उस वर्ड के बिगनिंग में अगर लगता है तो वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्सेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स इज अन। अन आपका क्या है, काफी पॉपुलर प्रीफिक्स है, विच मीन्स नॉट और अपोजिट। जैसे अन अवेलेबल, तो यहाँ पे अन क्या है, अन आपका एक प्रीफिक्स की तरह वर्क कर रहा है। एंड इफ यू एड अन टू द वर्ड हैप्पी, यानी अगर आप वर्ड हैप्पी के साथ अगर अन को आप लगाएंगे तो द न्यू वर्ड बिकम द अनहैप्पी विच मीन्स नॉट हैप्पी। यानी अगर आपका हैप्पी के साथ अन लग गया तो वो आपका जो हैप्पी का मीनिंग है उस मीनिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्टली उसका अपोजिट कर देगा। एंड व्हेन अफिक्सेस आर एडेड टू द एंड ऑफ अ रूट और रूट वर्ड्स दे आर कॉल्ड सफिक्स। यानी जब आपके अफिक्स ऐड होते हैं एंड ऑफ द रूट वर्ड के तो उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। एंड द मोस्ट कॉमन सफिक्सेस आर एस एंड ई एस, यानी वो एस होते हैं, ई एस होते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, विच मीन्स मोर देन वन प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड एडिंग ई एस टू विस द चेंज मीनिंग ऑफ द विसेस, यानी विस विसेस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। अगला इसमें पॉइंट कह रहा है कि मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द बेसिक वर्ड एंड एडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू देम। यानी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स मतलब ये प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं वर्ड को काफी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए वर्ड का। एंड द बेसिक वर्ड विच अफिक्सेस सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस आर एडेड इज कॉल्ड एज द रूट वर्ड। यानी जो बेसिक वर्ड होते हैं जिसमें अफिक्स लगते हैं और जो ऐड होते हैं उसको हम लोग रूट वर्ड कहते हैं, क्योंकि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ न्यू वर्ड, क्योंकि ये एक न्यू वर्ड के बेसिस को बनाता है। एंड द रूट वर्ड इज ऑल्सो अ वर्ड इन इट्स ओन राइट। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लवली कंसिस्ट ऑफ द वर्ड लव एंड द सफिक्स एल वाई, एंड इन कंस्ट्रक्ट अ रूट इज द बेसिस ऑफ अ न्यू वर्ड एंड बट इट डज नॉट टाइपिकली फॉर्म अ स्टैंड अलोन वर्ड ऑन इट्स ओन। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें द वर्ड रिजेक्ट इज मेड अप ऑफ द प्रीफिक्स री, यानी जो वर्ड रिजेक्ट है वो प्रीफिक्स री से बन रहा है, एंड द लेटिंग वर्ड रूट रिजेक्ट विच इज नॉट स्टॉन्ड अलोन वर्ड। तो ये बेसिकली पूरा स्टेटमेंट था, जिस स्टेटमेंट का अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ये वही है कि प्रीफिक्स कुछ होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, जो कि वर्ड के मीनिंग को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं उसके वर्ड के पहले और एंड में जुड़ के। तो आइए हम कुछ डायग्राम को, कुछ फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्टली कहा गया है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड के पहले ये क्या होता है, जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द अनहैप्पी एंड कंसिस्ट ऑफ द प्री, दैट मीन्स यू एन, यानी अन आपका एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नॉट, एंड कंबाइंड विद द रूट स्टीम दैट हैप्पी, द वर्ड अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स दिया गया है जिसमें आपका डीई है, फ्रॉम डाउन अवे रिवर्स अपोजिट, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है डिकोड डिक्रीज, ये सारी चीजें क्या है, डी के जो प्रीफिक्स है उनके एग्जाम्पल्स है। इसी तरीके से डी आई एस होता है, तो नॉट अपोजिट रिवर्स अवे इसका मतलब होता है, और डिस का मतलब नॉट, अपोजिट का मतलब भी वही, रिवर्स का मतलब वही होता है, अवे के लिए भी हम लोग डिस का ही यूज करते हैं। जैसे डिसएग्री डिसअपीयर, इसी के साथ ex यूज होता है, तो ex का मतलब होता है आउट ऑफ और अवे, जैसे आपका एक्सहैल हो गया।
इसी तरीके से सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स जो वर्ड होते हैं वो वर्ड के बाद में आके जुड़ के उनका जो मीनिंग है उसको बदलता है। जैसे हम बात करें सुफिक्स ऑफ द फ्लेवर, फ्लेवर में अगर आपका जो फ्लेवर में अगर आपका एल ई डबल एस अगर जुड़ जाता है तो फ्लेवर लेस हो जाता है, तो उसका मीनिंग डायरेक्टली यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ यानी नो फ्लेवर। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए एबल आपका सुफिक्स है जिसका मतलब होता है एबल टू एंड हैपनिंग द क्वालिटी, इसका एग्जाम्पल है कम्फर्टेबल पोर्टेबल। क्लियर, यहाँ पे ए एल है जैसे रिलेटिंग टू, इसका मतलब होता है जैसे एनुअल हो गया, कॉमिकल हो गया, ई आर हो गया, तो ये आपका कॉम्पिटेटिव हो गया, जैसे बिगर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। और भी कुछ चार्ट्स हैं जिन चार्ट्स का जानना जरूरी है, जैसे आपका एल आई हो गया जो नॉट के लिए यूज होता है, इलीगल इसका जो सफिक्स होता है वो होता है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी गई हैं, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका प्रीफिक्स के लिए है और ये आपका पूरा डायग्राम सफिक्स के लिए है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग बना लीजिए, अलग अलग सफिक्स और प्रीफिक्स दिए गए हैं और अलग अलग उसके एग्जांपल और अलग अलग उसके जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ये कुछ और भी चीजें हैं, जैसे प्रीफिक्स ए की हम बात करें तो उसका मतलब होता है ऑन इन आउट फ्रॉम, ए एल की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऑल, बी की बात करें तो उसका मतलब होता है बाई। अगला आपका कुछ और प्रीफिक्स का कुछ मीनिंग है, जैसे यहाँ पे आप देखिए उसके छोटे जो पार्ट्स होते हैं, उस और पार्ट्स आपका बच गया था जिसमें आपका फॉर है, फॉर का मतलब होता है थ्रू, फॉरगेट फॉरगिव, इसी तरीके से एफ ओ आर ई है उसका मतलब बिफोर होता है, जैसे फॉरकास्ट हो गया, फॉरकीज हो गया, गेन हो गया जैसे अगेंस्ट हो गया, अगेंसी हो गया, इन हो गया, इन हो गया, इनसाइड हो गया, मीन्स हो गया, रॉन्ग हो गया, मिसलीड हो गया, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं ये टर्म्स का मीनिंग और उसका एग्जांपल दिया गया है प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। सारी चीजों को आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको मीनिंग देखना है, उसके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स और सुफिक्स को आपको लगा के वर्ड को काफी इंटरेस्टिंग बनाना है। यहाँ पे कुछ और सुफिक्स दिए गए हैं, वो तो आपका प्रीफिक्स के लिए था, ये आपके पूरे सुफिक्स दिए गए हैं, ये पूरा आपका सुफिक्स है, ये आपका क्या है, ये उसका मीनिंग है और ये उसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, चीजों को समझेंगे। अगला यहाँ पे है कॉमन लैटिन रूट्स, लैटिन कुछ रूट्स है, जैसे आपका लैटिन रूट यहाँ पे दिया गया है इस चार्ट में, ये चार्ट पूरा लैटिन रूट को रिप्रेजेंटेड कर रहा है, ये आपका डेफिनेशन पार्ट है जो कि आपका मिड पॉइंट है, ये आपके एग्जांपल है, जैसे ए एम बी आई की हम बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है बोथ, इसमें आपका होता है एम्बिगियस, और यहाँ पे एक्वा की बात करें तो एक्वा का मतलब होता है वाटर, जैसे एक्वेरियम हो गया, एक्वामरीन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी सफिक्स और प्रीफिक्स के अंडरस्टैंडिंग को काफी बेहतर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाली चीजों को देखते हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अगला हमारा कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और ग्रीक जो कॉमन ग्रीक रूट हम कह सकते हैं, वो तो आपका लैटिन रूट था, ये आपका ग्रीक रूट है, ग्रीक रूट यहाँ पे आपको दिया गया इस रो के अंदर, और इस रो के अंदर आपको क्या दिया गया है, इस कॉलम के अंदर सॉरी डेफिनेशन है, ये आपका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीक रूट है, ये आपका डेफिनेशन है, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपके कवरअप हो गई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।